नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार के लिए दो बड़ी बातें और दोनों पोस्ट मार्केट आएंगी। पहला इन्फ्लेशन, दूसरा TCS के क्वार्टरली नंबर्स और पूरे एनुअली भी आप कह सकते हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर के FY24 में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन रखा, ये सारी चीजें आप सभी को आज देखने को मिल जाएंगी पोस्ट मार्केट। उम्मीद ये अराउंड 5 बजे के करीब तक कंपनी अपने नंबर्स पेश कर देगी और डील पाइपलाइन मजबूत रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि इस क्वार्टर में इनको कुछ बड़े कहीं ना कहीं करार होते हुए देखे हमने। अब क्या है TCS के रिजल्ट से उम्मीद, इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। TCS के स्टॉक की बात की जाए तो ये IT स्टॉक्स को लीड करने का काम करता रहा है बीते कुछ समय में। 4,000 रुपए का भाव दिखा दिया है स्टॉक ने आपको और ऊपर में 4,250 रुपए तक ऊपर गया हुआ है स्टॉक। करंटली भी 4,000 पे ट्रेड कर रहा है, बाजार की उठापटक में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज का ट्रेडिंग सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली 3 बजे के बाद इस पर नजर रखिएगा। तेजी या मंदी के लिए नहीं, मैं कोई खरीद बेच के लिए नहीं कह रहा हूं, और 3:30 तक रखिएगा। ऐसा नहीं है 3 बजे से 3:15 देख लिया छोड़ दिया कि अभी आखिरी के 15 मिनट में क्या ही होना है। मैक्सिमम टाइम्स बड़ी कंपनियों में रिजल्ट से पहले आखिरी के 5 से 7 मिनट में बड़े ट्रेड्स होते हैं और उस ट्रेड के दम पर जिधर बाजार में शेयर जा रहा है उम्मीद ऐसी लगाई जाती है कि ये मार्केट जो है, एनालिस्ट जो है, ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं रिजल्ट कैसे आएंगे और उसी तरफ इन्होंने सौदा खेल दिया है। तो आज देखते हैं कि एट द एंड स्टॉक किस तरफ जाता है आखिरी के 5-10 मिनटों में, जिधर जाएगा उम्मीद लगाई जाएगी कि भैया स्टॉक के नंबर अच्छे या खराब आएंगे। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ आंकड़ा शेयर करता हूं। देखिए, नोट कर लीजिए इस आंकड़े को, अगर इससे ऊपर आया नंबर जो एक्चुअल नंबर होगा तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, और इससे नीचे आया तो रिजल्ट्स खराब हैं। अनुमान को बीट करा तो अच्छा और अनुमान से खराब करा तो खराब। सिंपल है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर्स अच्छे हैं या खराब हैं। एक एक करके सारे के सारे आंकड़े आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है टॉप लाइन, जिसे रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू की उम्मीद ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीक्वेंसली भी, जिसे आप कहते हो, 2% बढ़कर आएगा, ऐसा उम्मीद है। 61,800 करोड़ का आंकड़ा नोट कर लीजिए कंपनी रेवेन्यू के लिहाज से पेश करेगी, 61,800 करोड़ का आंकड़ा है। इसके ऊपर चाहे वो 820 करोड़ हो, 840 करोड़ हो, ये मान लेना एस्टिमेट्स को बीट कराए, नंबर अच्छे हैं। और अगर 61,700 करोड़ रह गया या 61,750 भी रह गया तो थोड़ा सा खराब है, और इससे ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे हो जाए तो बहुत अच्छा और बहुत खराब, फिर रिएक्शन में बड़ा मूव आ सकता है। डॉलर आय की बात करूं तो ये 2.3% बढ़कर आ सकती है 745.2 करोड़ डॉलर पे, तो ये आंकड़ा भी आप रख लीजिए। कामकाजी मुनाफा, जिसे हम एबिट्टा कहते हैं और आईटी कंपनीज में एबिट कहते हैं, 1.9% बढ़कर आ सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 15,450 करोड़ पे। ये नंबर नोट कर लो, 15,450 करोड़ 15,450 करोड़ के ऊपर का एबिट आया तो बहुत अच्छी बात है, नीचे आया तो खराब है। आगे आप सभी के साथ बात करूं, अगर मुनाफा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, मुनाफे की बात की जाए तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 10.3% का जंप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये मुनाफा आ सकता है 12,200 करोड़ रुपए पे। जी हाँ, तो ये काफी बेटर उम्मीद लगाई जा रही है, 12,200 करोड़। देखते हैं इससे ऊपर आता है या इससे खराब आता है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो कंपनी कहेगी मार्जिन बिना बदलाव के 25% पर बरकरार रहने का अनुमान है, यानी मार्जिन्स को लेकर 25% आ सकते हैं, और आगे की जो गाइडेंस है लेट्स सी कैसे देते हैं, इसी के आसपास के मार्जिन गाइडेंस भी होनी चाहिए। और BSNL की डील जो हुई है उसकी वजह से आए रेवेन्यू में थोड़ी बहुत जंप आ सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्वार्टर फोर में कंपनी ने काफी सारी डील करी है, BSNL उनमें से एक है, जिसके चलते डील पाइपलाइन आपको मजबूत दिखेगी, ऑर्डर विनिंग्स मजबूत दिख सकती हैं। आगे का क्या सेंटीमेंट्स आउटलुक देती है TCS कंपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, आईटी कंपनी में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला तो खुद रिजल्ट्स, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस। आईटी कंपनीज गाइडेंस कैसी दे रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा एसेंचर ने गाइडेंस में कटौती करी, शेयर का प्राइस 9% चला गया। गाइडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे का आउटलुक कंपनी क्या दे रही है, और आईटी कंपनियां गाइडेंस देती हैं, साथ ही साथ ऑर्डर पाइपलाइन डील पाइपलाइन भी बताती हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जो आपको जरूर देखनी है, तो ऑर्डर पाइपलाइन और गाइडेंस पे भी नजर बना के रखिएगा। बाकी TCS टेक्निकल टर्म्स में कैसा सजेस्ट कर रहा है वो देखते हैं। रिजल्ट से पहले क्या कोई बाइंग या सेलिंग की सजेशन है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी सजेशन नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल साइड में बैठ के देखना चाहता हूँ।
पहले एक आईटी कंपनी के नंबर तो आ जाए, फिर हम बाकी की आईटी कंपनीज में जरूर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट पहली कंपनी तो देखना ही चाहूंगा मैं। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो स्टॉक ठीक ठाक है, ऊपर से बड़ी गिरावट आई, नीचे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, डबल बॉटम के समथिंग फॉर्म करा है, 4000 के ऊपर ही मतलब हायर आईज है छोटे से चार्ट पे देखूं तो, और अगर बड़े 3 महीने के चार्ट पे देखूं तो डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, मीडियम टर्म मीडियम रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट देखेंगे 6 महीने 1 साल का तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो सजेस्ट कर रहा है दोबारा फ्रेश लाइफ लगना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी TCS के स्टॉक को लेकर, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।